श्रीराम गाइस, सभी को वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। बहुत ही दिन हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाला अपने चैनल पर, तो सोचा था फिर से नया ब्लॉग में बनाओ। और इसी ब्लॉग पर गाइस आप लोग बनते रहिए, और चलिए शुरू करते फिर से नया ब्लॉग। गाइस गर्म के लिए परेशान होते होते फाइनली ठंडा मौसम आ गया। पहले तो गर्मी से यहाँ रह भी नहीं सकता था, बहुत ही गर्मी, कभी 48-50 टेम्परेचर होता था। धीरे धीरे अब यहाँ का वेदर ठीक हो रहा है, नहीं तो गर्मी से बैठ नहीं सकता था, बहुत ही गर्मी होता था। अब थोड़ा ठीक है, थोड़ा कूल कूल फ्रेश फ्रेश हो रहा है अभी। कैसे यहाँ का नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर है। ओके, आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा। मेरे घर के पास का छोटी सी क्यूट लड़की, इतना सर धस के आया, हाथ पे गान इतना बड़ा बक्की बुक के आया। तिमी मंदा ठूलो था, तिम्रो बंदूक छ त उठाते पर बंदूक कस कस लाग्छ। गाइस इस छोटी बच्ची का हाथ पे बंदूक किन दिखे, इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा इसका बंदूक है। वाह दामी सकता था दे। बाजी हाय बन दिन दे, हाय इतना कर दिन। गाइस गाइस हमारा बाजी हेलो बन दिन, हेलो गाइस। इस बाजी के लिए लाइक और शेयर जरूर करना। बदन आए बंदे, यो हेलो ईशा आए बंदे। गाइस तो मैं आया था इधर ऑफिस पे, दीदी का काम पे, सिस्टर का काम पे, तो अब सिस्टर को वेट कर रहा हूँ। कितना देर लगाएगा, आधा घंटा हो गया मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, अभी तक भी नहीं आया सिस्टर, तो बस आने वाला है। आने का साथ साथ फिर हम लोग निकलेंगे यहाँ से कोला माटी को, तो और रुकते और 10 मिनट तक। बहुत ही बोरिंग हो गया गाइस यहाँ बैठते बैठते, लेकिन यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा है। देखो गाइस बहुत ही सुंदर है और बहुत ही ठंडा है यहाँ पे। मिनट्स वेट कर करके सिस्टर आ गया, अब हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत ही बोर हो गया था गाइस वेट कर करके, अब यहाँ से निकलेंगे और कुछ खाएंगे, बहुत ही भूख लग रहा है गाइस, चलते हैं।
तो गाइस फाइनली आ चुके हैं मैं, तो मेरा ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं गाइस, मिलते हैं अगली ब्लॉग पर। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।